हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, AK9 टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूँ आशीष क्रिकेटर और आज मैं आपको बताने वाला दोस्तों वीवो की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन जो कि दोस्तों वीवो V27 प्रो के नाम से आपको देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन दोस्तों 1 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस, इस स्मार्टफोन में हमें क्या कुछ फीचर देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या रहेगी, सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे तो आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि पंच होल स्टाइल में आमोलेड डिस्प्ले पैनल पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे तो स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगा और वीडियो क्वालिटी तो काफ़ी कमाल का आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो डिस्प्ले काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे तो मीडिया टेक डायमंडसिटी 8200 का आपको चिप से देखने को मिलेगा जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे वर्क करती है। और यहाँ पे तो आपको 3.2 GHz का क्लॉक स्पीड भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे तो 16 GB का आपको मेमोरी फ्यूजन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है जिसमें 8 GB का वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस, यहाँ पे इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहेगी, गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहेगा। और अगर इस फोन की कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको बैक साइड में 50 MP का सोनी IMX766 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। 8 MP के यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 MP के यहाँ पे माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तो फ्रंट साइड में 50 MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहेगा, फोटोग्राफी के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया रहेगा। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 4600mAh का बैटरी और 66W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे तो बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन 2 वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा जिसमें दोस्तों पहला वेरियंट जो कि 8 GB RAM के साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन होगी, इसकी प्राइस 41,999 रुपया है। और वहीं पर इस स्मार्टफोन की सेकेंड वेरियंट जो कि 12 GB RAM के साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन होगी और इसकी प्राइस 45,999 रुपये के प्राइस में आपको देखने को मिलेगी। कलर की बात करें तो ये स्मार्टफोन इंडिया में 2 कलर ऑप्शन में देखने को मिलेगा जो कि मैजिक ब्लू और नोबल ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस, आपको ये स्मार्टफोन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।